बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शाहिदा, मेरे चैनल का नाम है शाहिदा व्लॉग। आप लोग देखिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज मैं एक रेसिपी लेकर आई हूँ दम टिक्का। जैसे आप घर में चाय आराम से इजी बना सकती हैं, और क्या कहते हैं, लाजमी नहीं है कि चूल्हा जो कोयला जलाए उसी में छिकाई करें, दम टिक्का बना सकती हूँ। बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको आज बताऊँगी। आराम से घर में हाउसवाइफ बना सकती है। उसके लिए चाहिए मुझे, ये देखिए चिकन है, 5 किलो चिकन है इस तरह की है। तो मैंने थोड़ा कट लगाई है इसमें मसाला जाने के लिए, रान में भी है ये इस तरह, ये देखिए कट लगाई। अब इसकी मसाला किस चीज़, ये मसाला को क्या क्या चीज़ चाहिए मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाली, ये देखिए 5 किलो है, 3-4 चम्मच भर के ली मैंने। फिर ये है सीख मसाला, ये मैंने घर में बनाई थी एक दफ़ा, मेरे रेसिपी में भी है, मैंने दिखाई थी आपको, आप चाहे तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए ये सीख मसाला मैंने घर में बनाई, तो वही परा हुआ था, बकरा ईद पे बनाई थी, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे बाज़ार की यूज़ कर सकते हैं, और घर में बनाना हो तो आप मेरे चैनल को देख सकती हैं, मैंने रेसिपी अपलोड किया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना चम्मच लिया, 1 चम्मच 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 चम्मच है ये मैंने लिया। 5 किलो चिकन में 12 चम्मच मसाला, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मैंने नॉर्मल रखी है, आप चाहे तो अपने ऊपर है। फिर मैं इसमें डालूँगी जर्दे का रंग, चिकन है तो जर्दे का रंग डालूँगी इसमें, क्योंकि इसमें जर्दे का रंग मिक्स नहीं है। मैंने चिकन जर्दे का रंग डाल दी इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी दही, किस तरह आपको मिक्स करना है मसाला, किस तरह बना के चिकन वो करना है। ये देखिए आधा आधा किलो दही लाई थी मैं, 1.5 पाव के करीब डाली, और 1 पाव जो है ना मैं बीफ के लिए रख दी। हसबे जायका नमक डालूंगी इसमें, इसमें मैं तेल डालूंगी 1 प्याली, 1 प्याली पूरी नहीं है, ये देखें 1/2 प्याली है, क्वार्टर है, पूरी नहीं है। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूंगी। हमारी चिड़िया की आवाज़ आ रही है नीचे, आज किचन में, नीचे वाला किचन में बना रही हूँ क्योंकि ऊपर नहीं गई आज। नीचे आपको चिड़िया की आवाज़ आएंगी, जो जितने लोग यहाँ से गुजरेंगे, टीन डब्बा हो, कबाड़ी वाला हो, चाहे कोई भी, उसकी आवाज़ आते रहेंगी आपको, माइंड मत कीजिएगा। अच्छी तरह से इसको इस तरह मसाला अब मिलाएंगे। मिलाने के बाद एक एक चिकन को रख के हाथों के जरिए मदद से, अभी इधर मिर्ची है तो मैंने कहा थोड़ी सी इससे मिला, इस तरह बिस्मिल्लाह रखना नहीं रही। ये देखिए आप बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं, आप चाहे घर में बना सकती हैं, जो सालन के लिए आते हैं घर में सालन बनाने के लिए, उससे भी आप बना सकती हैं, लाजमी नहीं है इतना बड़ा पीस ले पतीली में आराम से इजी। मैं ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करूँगी, 1 से 1.5 घंटा चिकन को मैरिनेट करूँगी।
ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा। मैं तो अक्सर बनाते रहती हूँ, मैंने कहा चलो आज ट्राई कर लेती हूँ। माशाल्लाह देखें, कलर देखें, और ये देखें इस तरह। ये आप पहले में भी बना, सीख में भी बना सकते हैं, पतीली में तो ज़्यादा बेस्ट होगा। पतीली में ये जो मसाला है ना, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये तो सीख में नहीं बनेगा, बच जाएगा। तो आप पतीली में डाल के दम देंगी, इतना इजी है कि आप, मैं बता नहीं सकती। और इतने मज़े का बनती है ये, ये देखिए। अब जैसे कच्चा है, देखें मसाला लगाई तो कितना अच्छा कलर आया। और मैं आपको मसाला दिखाऊं, ये देखिए मेरा बना हुआ मसाला है। मैं फ्रीज़र कर देती हूँ, डी फ्रीज नहीं, नॉर्मल फ्रीज में रख देती हूँ ताकि इसमें पपंदा कीड़ा नहीं लगती। ये देखिए मैंने रमज़ान में बनाई थी, ये खुला मसाला है। मैं बना के मसाला वगैरह बना के फ्रीज में रख देती हूँ। अच्छी तरह से हाथों की मदद से, ये देखिए, जिस तरह मैं लगा रही हूँ, जिस तरह मसाला मैंने मिक्स की, इसी तरह ही आप मिक्स करके अब आराम से घर में बना सकते हैं। दावत वगैरह हो, रात की डिनर वगैरह हो, कोई मसला नहीं होता है। आप घंटा पहले मसाला लगा के रख दें, आने से पहले दम दे दीजिएगा। कम से कम 20-25 मिनट लगेगा दम के लिए। ये देखिए मसाला खुशबू अच्छी आ रही है। मैंने जो इसमें तेल यूज़ किया है, कि मेरे पास ना सरसों का तेल नहीं था, ख़त्म हो गया। मैं रखती हूँ सरसों का तेल घर पे, तो उसकी जगह मैंने पकवान तेल डाल दिया है। सरसों की तेल डालो, अच्छी और अच्छी खुशबू आती है। तो थोड़ा सा है, मैं जब दम दूँगी उसके ऊपर डालूँगी। ये देखिए अब मैं इसकी ढक के रख दूँगी कम से कम 1 से 1.5 घंटा, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3.5 घंटा हुआ मेरे ख्याल से। ये देखे मसाला लगाई, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मसाला। ये देखिए खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अब मैं इसमें पतीली में डालूँगी, इस तरह मैंने ये वाला पतीला लिया, ये देखिए खुला पतीला लिया मैंने। अब इसमें पीस रख के ये देखे मैंने हल्की आंच पे रख दी, बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। ये देखे इसी की चिकन वाल, उसकी पानी से मैंने इसी को मैंने रख दी। थोड़ी थोड़ी देर बाद 1-2 दफ़ा हिलाएंगे, इसके बाद फिर मैं आपको फाइनल। ये देखे मैंने सारा डाल दिया पतीले में, मैं इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डालूँगी, एक कतरा पानी भी नहीं डालूँगी। ये जो दही का पानी है और जो चिकन का पानी है, इसी से मैं बस अब मैं पानी नहीं डालूँगी, बिल्कुल एंड है। मैं अभी चला रही हूँ चूल्हे पे, ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल जैसे ऐसे महसूस होगा कि हमने ना सीख में पाले में पकाया, ये ढक के रख दिए।
ये देखिए चिकन में कितना शर्ब हो गया, ये देखिए पानी उठाया इतना, थोड़ा सा पलट देती हूँ आराम आराम से, देखिएगा इस तरह करके अच्छी आ रहा है। देखिए पानी आया, अब मैं चूल्हा है ना तेज़ कर दूँगी। ये देखिए चिकन गल गया है, मैं आपको दिखाऊँ एक उठा के, ये देखिए गल गया है। मैंने चूल्हा तेज कर दिया, अब ये बस ये कि अब ढकूंगी नहीं और गल जाएगा मज़ीद चूल्हा। और ये देखो माशाल्लाह से, ये देखिए तेल, अब वो तेल नजर आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब मैं थोड़ा जगह बना रही हूँ इसमें दम देने के लिए, एक साइड पे मैं इसमें मैंने पपीता नहीं डाला तो इसलिए इतना गला नहीं, बीच में मैंने थोड़ा पपीता डाली, ये डाला मैंने इस तरह चूल्हे को जला के, माशाल्लाह ये देखें ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डिश आउट किया है ये, अब मैं आपको निकाल के दिखा, किस तरह माशाल्लाह जला है। ये जितना ठंडा होगा उतने ही मज़े का बनेगा, उतना ही अच्छा लगेगा। ये देखिए एक भी पीस गले नहीं, मगर देखिए चिकन कैसे गला, ये देखिए हाथ से दिखाने गरम है, ये देखिए अब इस तरह घर में बना सकती हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, देखिए कितना अच्छा खुशबू आ रही है इसमें, ये देखिए। इस तरह थोड़ा सा प्याज से अब गार्निश कर लीजिएगा, सही है। ये लेमन लेमन रख लीजिएगा, आराम से माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनी है, देखिए बना सकते हैं आप आराम से, डिनर हो चाहे दावत वगैरह हो या हम अपने लिए घर पे डिनर के टाइम या लंच के टाइम बना सकते हैं, कितना ज़बरदस्त बनी, ज़रा सा गला नहीं है, जितना ठंडा होगा उतना अच्छा मज़े का बनेगा। दुआ में याद रखेगा इंशाल्लाह, ये दम टिक्का कबाब कहते हैं इसको, इंशाल्लाह दुआ में याद रखेगा, फिर आएँगी दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।